कृतिका पाठ मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग का पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी। इसका आंसर होगा कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह निम्न कारणों से प्रभावित थी। पहला कारण जो है, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा से भेंट की थी, मतलब उनसे मुलाकात की थी, और उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वह अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चलता है जो लेखिका को प्रभावित करता है। दूसरा कारण है कि जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की, और इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। इससे भी लेखिका काफ़ी प्रभावित हुई थी इन बातों से। और तीसरा जो है कि लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वह आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने दादी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। यहाँ प्रश्न थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे लिखा है कि लेखिका ने नानी की आज़ादी के, तो यहाँ पे ने के स्थान पे की होगा कि लेखिका की, यहाँ पे लेखिका की होना चाहिए, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया और उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का पता चलता है। और उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क्वेश्चन है कि लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए कि किस प्रकार से उन्हें घर के कामों में रुचि भी नहीं था, और जो कि एक ससुराल वाले अपनी बहू से अपेक्षा रखते हैं, फिर भी वह सबके दिलों में राज करती थी, इसका क्या रीजन था। तो उत्तर, लेखिका की माँ दुबली पतली सुंदर स्त्री थी और इस कारण लेखिका ने उन्हें पारिजात बताया है, मतलब कोई परी से कम नहीं थी, ऐसा लगता था कि कोई परी हो और इतनी सुंदर थी वो। और दूसरा है कि वह हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी, वह आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। तीसरा है कि लेखिका की माँ कभी किसी को की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी, वह सत्यवादी थी, सत्य बोलती थी हमेशा, और ईमानदार थी और नाजुक मिजाज और आज़ादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। लेखिका की माँ ने, चौथा रीजन है कि लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी देखना, खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया, उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। पांचवा है कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में ना केवल उनकी राय ली जाती थी, बल्कि उसका सत्य प्रतिशत पालन भी किया जाता था। उनसे कोई कठिन काम नहीं लिया जाता था, लेकिन उस काम को करने से पहले उनकी राय जरूर ली जाती थी, और अगर वो कह देती थी तो फिर उसी के हिसाब से काम किया जाता था, उसको सत्य प्रतिशत माना जाता था। तो यही सब कारण हैं
जिसकी वजह से उनकी माँ जो है सबके दिलों पर राज करती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय की प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी अलग था। अब वो आप लोग स्टोरी पढ़े हैं ना, उसे पता है ना कि किस प्रकार से, देखिए उनकी सोच एकदम से अलग थी, वो लीक से हट करके चलने वाली थी, परंपरा से हट करके चलने वाली थी, उनकी सोच भी उससे अलग थी। तो दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आज़ादी थी, किसी पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था और घर में पुत्र पुत्री में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी, जो इस बात को स्पष्ट कर रही है। और घर का माहौल भी काफ़ी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। कोई किसी के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे एक दूसरे के पत्र भी नहीं पढ़ते थे। अब क्वेश्चन फोर है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी, उन्हें लीक से अलग हटकर चलने की आदत थी और उस समय लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था। यानी कि पहले क्या होता था, लोग यही चाहते थे कि हाँ बेटा ही हो, और लोगों की ये सोच थी कि हाँ अगर पहला बच्चा बेटा हो जाता है, लड़का हो जाता है, तो उससे हमारा वंश जो है वो आगे बढ़ेगा, हमारा वंश जो है बना रहेगा। और उसके बाद चाहे लड़की ही क्यों ना हो, कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि जब भी वो लड़का ही हो, तो अलग अलग सोच वाले थे। लेकिन लेखिका की दादी उससे हट करके चलने वाली थी और वो चाहती थी कि पहला बच्चा जो है वो बेटी आए, एक पहले बच्चे को कन्या के रूप में देखना चाहती थी। तो इन सारी बातों से मतलब ये चीज़ पता चलता है कि उनकी जो दादी थी, परदादी थी, वो कहीं ना कहीं परंपरा से अलग से हट करके चलने वाली थी और यही रीज़न हो सकता है कि वो इस चीज़ को दिखाना चाहती थी कि हाँ हम इन परंपराओं को और इन रूढ़ियों को नहीं मानते हैं और इससे हटकर कुछ करते हैं या इससे हटकर के सोच रखते हैं। तो अपने उसी जो अलग उनकी सोच थी उसको दिखाने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए ही उन्होंने ये बात कही होगी। अगला प्रश्न है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, ये बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। अब देखिए क्या होता है, कहानी आप लोग पढ़े थे ना, जब चोर घुसा था अंदर और दादी ने किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं किया था और बल्कि उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था, और वो जबकि जान भी गई थी चोर है, लेकिन तब भी जैसे एक नॉर्मल व्यवहार किया जाता था, ठीक उनका वैसा ही व्यवहार था। और चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की माँ ने ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। तो उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, गलत काम है, और उसने इतना ही कहा अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसके इस विश्वास और साहस भावना से चोर का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया और उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना बना लिया, मतलब खेती के कामों में जुट गया। और यदि वह चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता, और शायद अगर उसको मारा पीटा जाता तो हो सकता कि फ्यूचर में वह बदला लेने की कोशिश करता। तो ये बात सही है कि अगर किसी को सही रास्ते पे लाना है तो उसे डराने धमकाने के बजाय, उपदेश देने के बजाय, उससे सहजता से बहुत नॉर्मली तरीके से उससे पेश आए तो हो सकता है कि उसमें सुधार हो जाए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। तो शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए हैं। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहाँ उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था,
जिसमें अपने बच्चों को वो डाल सके, क्योंकि उनके बच्चे जो थे पढ़ने लायक हो गए थे, तो व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला और उसे सरकारी मान्यता भी दिलाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। तो इसी बात ये जो लेखक का प्रयास है उससे ये इस बात का उल्लेख करता है कि शिक्षा जो है बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ के आधार पर आपको बताना है, तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जो सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, लड़ाते भिड़ाते नहीं हैं कि हाँ इनकी सुन ले, उनसे जाके कह दे, उनकी बात इनसे आकर के कह दे, इस तरीके से दोनों के बीच में मतभेद हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं या जिनके इरादे मजबूत होते हैं और जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते, तथा जिनका व्यक्तित्व सरल सहज एवं पारदर्शी होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं और एक नवीन उदाहरण रखते हैं या देते हैं, उन्हें पूरा समाज जो है वो श्रद्धा भाव से देखता है। प्रश्न नंबर 8 है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है। अब जिद्दीपन का मतलब ये नहीं कि हाँ जिद में आकर के हम गलत, मुझे मेरे मन में कोई गलत धारणा उठी, कोई गलत विचार आए या कुछ गलत कार्य करने की इच्छा जगी तो हम इतने जिद्दी हों कि इस काम को कर डालें, ऐसा नहीं था। तो जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है। उनके इस जिद्दीपन में, यहाँ पे ने के स्थान पे में होना चाहिए, तो उनके इस जिद्दीपन में उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद, लेखिका की बहन विद्यालय जाती है और गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद करती थी। तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी, तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले तथा अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व की ओर